सो गाइस, जो बाहर का नॉइस प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा रीजन यही है। अभी आपको निकाल के दिखा रहे हैं। ये हेलमेट का भी एक प्रॉब्लम है। सो है गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल अपना ली भाई। तो गाइज, आप लोग कैसे कमेंट करके बताना, उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइज, आज का ब्लॉग मोटो ब्लॉग नहीं होने वाला है। आज आपको सेटअप बताएंगे, नॉइस का प्रॉब्लम। मैंने पूरा यूट्यूब पे खोज डाला, कोई भी अच्छे से बताया नहीं नॉइस का प्रॉब्लम, रीज़न क्या है। तो आपको ए टू जेड हम बताएंगे, आपका नॉइस प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा इजी। कोई हार्ड नहीं, आपको घुमा फिरा के कोई 10 मिनट 20 मिनट का वीडियो बना रहा है, ऐसा नहीं है। तो आपको हम बताने वाले हैं ए टू जेड। सबसे पहले ये है बोया का माइक, देख सकते हैं, जो हम अभी मोबाइल फ़ोन में यूज़ कर रहे हैं। मैनो का माइक हम यूज़ करते हैं मोटो ब्लॉगिंग के लिए, जो इसके अंदर लगा हुआ है। तो मोटो ब्लॉगिंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है गाइज नॉइस प्रॉब्लम का, तो उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देख सकते हैं, ये मैनो का माइक जो है हम यहाँ पे लगा के रखे हुए हैं। अभी आपको निकाल के दिखा रहे हैं। इतना इजी, इतना सिंपल कोई आपको बताएगा नहीं, पूरा यूट्यूब पे आपको पता है, सिर्फ आपका अली भाई बताता है। जो मोटो ब्लॉगिंग के लिए आप माइक खरीदते हैं ना, उसके साथ ये मिलता है कैप, देख सकते हैं। इसको फोम बोलो, सोखता बोलो, कुछ भी बोलो गाइस, हम देसी इंडियन है। लोग इंग्लिश में समझाते हैं, हम आपको हिंदी में समझा रहे हैं, प्योर देसी भाषा एकदम हिंदी में समझा रहे हैं, ठीक है। तो उसके साथ जो होता है ये कैप आता है ना, इसको लगा लेंगे, सिंपल है, नॉइस नहीं आएगा। आप इसको निकाल के वीडियो बनाएंगे, आपका बाहर का इतना गंदा नॉइस आएगा ना, आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि आखिर ये प्रॉब्लम क्या है। सिर्फ सोल यही है, अगर ये आपके पास नहीं है, गुम हो गया। मेरे पास भी बोया वाला जो था गुम हो गया था। सो गाइस, जो बाहर का नॉइस प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा रीज़न यही है, इसी के कारण होता है। बाकी आपको घुमा चढ़ा के लोग बोलेंगे इतना उतना, ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ यही सोल्व कर सकता है। और दूसरा चीज़ है, अभी आपको ये गोप्रो का है ना, ये हेलमेट का भी एक प्रॉब्लम है। तो अभी गोप्रो हम बाहर निकालते हैं और आपको दिखाते हैं, खोल के अच्छे से समझाता हूँ एकदम प्योर हिंदी में। आई होप कि आप अच्छे से समझेंगे। ये गोप्रो हीरो 9, तो इसको निकाल दिए हम। तो जब आप हेलमेट खरीदते हैं गाइस, तो यहाँ से एयर का होता है, बाहर से जो एयर जाता है ना आपके सांस लेने के लिए, तो सबसे पहले आपको वो बंद कर देना है, जो कि हमने एमसील लगा के देख सकते हैं बंद कर दिया है। तो जो यहाँ से वॉइस मतलब एयर पास होता है 120-30 पे, 80 पे, 70 पे, 60 पे, कुछ भी, आपको हिंदी में ही समझा रहा हूँ, अच्छे से आप समझेंगे। तो ये जो एयर पास होता है ना, तो ये सीधा आपके माइक में जाता है, तो वो क्या होता है, नॉइस आता है बाहर का आवाज़, तो वो पूरा आपका ख़राब होता है। तो आपको सबसे पहले आपको एमसील लगा के इसको पैक कर देना है, ताकि यहाँ का जो एयर बाहर जाए वो सीधा आपके माइक में कनेक्ट ना हो, यहाँ से एयर मतलब अंदर पास ही ना हो। और वाइजर हमेशा इसको पूरा बंद करना है, और ये जो माइक का होता है ना, इसको एकदम नीचे से लाना, ताकि वाइजर अच्छे से बंद हो जाए, ठीक है। तो ब्लॉग में पूरा बने रहना, थोड़ा भी स्किप मत करना, आपको अच्छे से समझाता हूँ। और कभी भी माइक आप रखना गाइस, तो एकदम मुंह के सामने मत रखना, नहीं तो एकदम आपका जो सांस भी लेंगे ना, तो उसका भी आवाज़ आएगा। तो आप इसको जब भी करना टेप से चिपका देना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, गिर जाएगा तो पूरा नॉइस बाहर का आएगा। तो बस यही सिंपल सा प्रॉब्लम था। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कभी भी हेलमेट में जब आप सेट करना गाइस, तो ये देखो थोड़ा अंदर करना, ऐसे इसमें दबा देना, ताकि आप सांस भी लोगे तो उसका आवाज़ बहुत गंदा आएगा। तो यहाँ से ये लॉक हो गया, ये लॉक हो गया, तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने अंदर छुपा दिया है। और मेरा वीडियो का क्वालिटी आप जाके चेक कर सकते हैं, वॉइस कैसा आ रहा है कैसा नहीं आ रहा है। तो मैंने यहाँ पर अंदर छुपा रखा है, देख सकते हैं ऐसे। तो आप भी ऐसे ही रख देना, आप नहीं तो आप लंबा सांस भी लेंगे तो वो भी इसमें आवाज़ आएगा, ठीक है। और आप कितना भी स्पीड चलो गाइस, एकदम वॉइस क्वालिटी अच्छा आएगा। तो गाइस, कोई इतना बड़ा ये प्रॉब्लम नहीं है, छोटा सा सोल है, सैंपल है, आप घर पे भी कर सकते हैं। यूट्यूब पे आपको बढ़ा चढ़ा के ये करो फलाना ढिकाना कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है, एकदम सैंपल स्टेप है, इजी आप कर सकते हैं। तो गाइस, ये है हमारा हेलमेट सेटअप, देख सकते हैं इतना अच्छा वॉइस आता है। अगर आप हमारे वीडियो को नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं हमारे वीडियो की वॉइस। और हम हर ब्लॉग में गाइस 120 प्लस चलते हैं, 120 प्लस का वॉइस जाके चेक कर सकते हैं कितना अच्छा था, वो भी एकदम हाईवे पे। बाकी अगर जो आपको पूछना है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, ए टू जेड हम आपको हिंदी में समझाएंगे, अपने भाषा में समझाएंगे, आपके भाषा में गाइस समझाएंगे, ओके। आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा।
तो गाइज जाइए जल्दी से हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, अपने भाई को सपोर्ट करो गाइज। सो गाइज आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा वीडियो अच्छे से। तो चलिए अभी आपको नीचे चल के आपको मोटो ब्लॉगिंग थोड़ा सा क्लिप दिखाता हूँ, अपना वॉइस आपको सुनाता हूँ मोटो ब्लॉगिंग का सेटअप का। आप कमेंट करके बताना वॉइस हमारा कैसा आ रहा है। सो है गाइज देख सकते हैं अभी हम आ चुके हैं रोड पे और अपना वॉइस क्वालिटी आपको दिखा रहे हैं। आप कमेंट करके बताना हमारा वॉइस कैसा आ रहा है। तो अभी हम फुल भगाने वाले हैं पावर के साथ। तो गाइज अभी हम 80 पे चल रहे हैं, 80 प्लस जाएंगे। आप वॉइस का मुझे कमेंट करना ज़रूर आपको वॉइस कैसा आ रहा है। सो गाइज देख सकते हैं अभी हम चल रहे हैं ट्रैफिक में, ट्रैफिक का भी वॉइस चेक करो आप, हर एंगल से चेक करिए और कमेंट करके बताइए। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आए हमारे वॉइस। आज तो शाम का टाइम है तो इतना ट्रैफिक है गाइस, पता नहीं अभी हम बाइक भगाने वाले यहाँ पे अगर रोड खाली मिलेगा तो। पूरा देख रहे हैं सिटी में पूरा रोड भरा हुआ है एकदम, बट कोई नहीं, आप लोगों के लिए करना है मुझे। चेक कर सकते गाइस अभी हम 80 पे चल रहे हैं वापस से और वॉइस का क्वालिटी है कैसा कमेंट करके बताइए। आई होप कि अच्छा आता होगा। तो गाइज अभी हम नॉर्मल चल रहे हैं, अभी का वॉइस क्वालिटी कैसा आ रहा है कमेंट करके बताना ज़रूर से। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा देखने के बाद। तो चलिए गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक खाते रहो, पीते रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।